हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के आपको दिखाने वाला मैं एक न्यू प्रीमियम क्रेट। तो क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो के ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो न्यू प्रीमियम क्रेट आने वाली है उसका यहाँ पे नेम है डार्क विडो स्ट्राइक्स। तो ये भी यहाँ पे जो हमारी जंगल थीम एडवेंचर की एक जो क्रेट चल रही है, तो उसको यहाँ पे ये एक दो दिन में ये वाली प्रीमियम क्रेट रिप्लेस करेगी। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डार्क विडो स्ट्राइक्स का पोस्टर। तो कुछ इस तरीके से जो आपको जो क्रेट है उसमें आपको बेसिकली फीमेल आउटफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी अच्छी वैसे इस बार की क्रेट है लास्ट क्रेट के हिसाब से। काफी सारे आपको जो गन स्किन्स हैं और एयरप्लेन की स्किन है, हेलमेट, बैकपैक, तो काफी अच्छे अच्छे आउटफिट्स भी आपको इस क्रेट में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो पोस्टर आपने देख लिया होगा, उसके बाद इस क्रेट में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो देख सकते हो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारा जो फीमेल आउटफिट है। तो ये एक आउटफिट है बेसिकली फीमेल के लिए है, मेल पे ज्यादा कुछ अच्छा लगता नहीं है। तो आप इसे देख सकते हो, पीछे इसका मास्क भी देख सकते हो। मास्क में आपको यहाँ पे जो एक ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और उसके साथ जो आउटफिट है वो भी काफी अच्छा आउटफिट है, येलो और आपको ये ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो इसे, और इसके बाद आपको यहाँ पे मैं इसका जो आपको हेडगियर दिखाता हूँ कि जो इसका डार्क विडो का हेडगियर है, तो हम इसके क्लोज रेंज में देखते हैं कैसे आपको दिखेगा। उससे पहले यहाँ पे आप इसका जो इमोट है देख सकते हो, ये हमारा जो एक मिथिक सेट है तो उसका एक एक्सक्लूसिव इमोट होगा, डार्क विडो एक्सक्लूसिव इमोट है। तो यहाँ पे अपने फिंगर को यूज करता है तो ठीक ठाक सा इमोट है। उसके बाद यहाँ पे आप जो हमारा हेडगियर है इस डार्क विडो का देख सकते हो क्लोज रेंज में आपको कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको सामने हेडगियर दिख रहा होगा उसकी जो आईज है वो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है, तो काफी अच्छा वैसे इफेक्ट है ये। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो गन स्किन आपको देखने को मिलेगी, लेजेंडरी गन स्किन होने वाली है एकेएम की। तो नाइटमेयर एकेएम इसका नेम है, और यहाँ पे आपको मैं अकेले में दिखा देता हूँ कि जो एकेएम है वो कैसे दिखेगी। तो देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक स्किन टाइप की स्किन है, और वीडियो में आगे आपको मैं इसका इन गेम गेम प्ले भी दिखाऊंगा कि गेम में आपको जो एक्जैक्टली स्किन कैसे देखने को मिलेगी जब आप इसे यूज करोगे। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि अभी आपको इस क्रेट आपको ये स्किन जो है चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे जो क्रेट है उसको देख सकते हो जो एकेएम की स्किन है, तो काफी अच्छी लग रही है ये वाली स्किन भी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा लेजेंडरी इस आइटम जो इस क्रेट में वो होने वाला हेलमेट। तो ये नाइटमेयर हेलमेट है, तो सबसे पहले आप इसका लेवल 1 देख सकते हो। तो लेवल 1 में आपको कुछ स्ट्राइप्स दिख रही होंगी पीछे बैक पे रेड कलर में है। उसके बाद यहाँ पे लेवल 2 है, लेवल 2 में भी थोड़ा सा स्ट्राइप्स है और बाकी जो हेलमेट का डिजाइन है और आगे भी कुछ हमारा छोटी सी डिटेलिंग दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे लेवल 3 दोस्तों देख सकते हो, काफी अच्छा ये हेलमेट हो जाता है लेवल 3 में, और आगे आप देख सकते हो काफी इसको मतलब डरावना से कोई लुक देने की ट्राई की गई है, तो काफी अच्छा लग रहा है ये जो हेलमेट है। इसके बाद यहाँ पे आप एक साथ देख सकते हो जो हमारे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो ये हमारा लेवल 1 है, उसके बाद यहाँ पे लेवल 2 और फिर लास्ट में ये लेवल 3। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको जो हेलमेट है वो कैसा लगा है। तो अब तक के हिसाब से मेरी जो पूरी क्रेट में मुझे ये आइटम काफी अच्छी लगी है जो हेलमेट है। इसके बाद आपको इसी क्रेट में यहाँ पे जो नाइटमेयर बैकपैक भी देखने को मिलेगा, तो ये फिर से एक लेजेंडरी स्किन है इस क्रेट में, तो काफी अच्छा बैकपैक भी है ये। तो इसका लेवल 1 आप इसको लेफ्ट और राइट से देख सकते हो, और बीच में आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा डिजाइन सा बना हुआ है। उसके बाद लेवल 2 में भी आपको यहाँ पे कुछ और दिख रहा होगा, तो देख सकते हो लेवल 2 भी ठीक ठाक सही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है लेवल 2 वाला, लेकिन लेवल 3 में थोड़ा सा ठीक हो जाता है बैकपैक। तो बैकपैक के हिसाब से मुझे हेलमेट काफी अच्छा लगा है, बाकी नो बैकपैक जो है वो काफी नॉर्मल सा ही बैकपैक है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे आप बैकपैक का लेवल 1, 2, 3 देख सकते हो एक साथ। तो एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो ये हो चुका बैकपैक, और ये आपको देखने को मिल जाएगा इस सीक्रेट में। इसके बाद बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट आउटफिट है, उससे पहले यहाँ पे बाकी के जो आइटम्स हैं उसे रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद ये एक और सेट है, तो आयरन बर्सर्कर सेट है ये, तो देख सकते हो काफी अच्छा सेट है। और पता नहीं मुझे यहाँ पे मेरे को ये नेम पहले क्यों याद आ रहा है, पहले भी शायद इस नेम से एक आउटफिट आ चुका है, बाकी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे ऐसा कोई आउटफिट आया है नहीं आया इस नेम से ही। तो यहाँ पे इसका जो मेल में आप देख सकते हो कैसा दिखेगा आउटफिट ये, तो इसका हेडगियर भी काफी अच्छा लगा दोस्तों, कुछ स्पार्टन टाइप का आपको दिख रहा होगा जो हेडगियर है इसका, तो ऊपर से काफी इसमें यहाँ पे कील कील से दिख रहे होंगे, तो काफी अच्छा ओवरऑल लुक में हेडगियर है इसका। और साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे इसके जो कील कील दिख रहे हैं तो उनमें भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ये शाइन कर रहा है। और सिमिलरली हमारा जो ऊपर आपको कोई सेट दिखाया था मैंने डार्क विडो सेट, तो उसके भी जो साइड में जो एरियाज है वो भी काफी शाइन करते हैं, काफी स्पार्कल से करते हैं, तो काफी अच्छे दोनों सेट्स हैं, और यही दोनों मेन सेट्स हैं जो इस हमारी क्रेट की हाईलाइट है। तो यहाँ पे आप इसे क्लोज रेंज में देख सकते हो एक बारी जो हमारा है ये आयरन बर्सर्कर सेट। उसके बाद यहाँ पे हमारा डे ब्रेक ये विचर सेट है, तो ये आपको मैं ऑलरेडी दिखा दिया था लेकिन आप इसे एक बारी फिर से देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ये हमारा लग रहा है कुछ विच टाइप का सेट है वैसे तो ये, और ये इसका हैट, और आप देख सकते हो बाकी का इसको क्लोज रेंज में आपको दिखा देता हूँ कि कैसा आपको दिखेगा।
तो ये रहा हमारा जो हैट इसकी, और ये फीमेल और मेल, फीमेल में आप देख सकते हो, आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि जो आउटफिट है वो कैसा आपको एडजस्ट करेगा फीमेल और मेल में। इसके बाद यहाँ पे एक और आपको देखने को मिलेगी जो रेयर स्किन, इसमें जो प्लेन की स्किन है तो एग्जैक्टली पता नहीं यहाँ पे जो रेयर इसमें रियलिटी को ऐड की गई है, बाकी इसको शायद लेजेंडरी होना चाहिए था। तो देख सकते हो यहाँ पे ये प्लेन की स्किन है, नाइटमेयर प्लेन फिनिश है, और ये मैंने आपको कल आरपी रिबोर्ड में दिखाई थी, तो मेरे ख्याल से ये आरपी रिबोर्ड में नहीं देखने को मिलेगी बल्कि आपको इसी क्रेट में देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो हमारे जो हेलमेट से मैच कर रही है, जो इसके बी सेंटर में आपको एक डिजाइन दिख रहा होगा वही डिजाइन हमें लेवल 3 के हेलमेट में भी देखने को मिलता है, तो अच्छी स्किन है ये भी। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ और आउटफिट्स हैं, बेकार बेकार से ये आउटफिट्स हैं, तो ये सारे मेरे ख्याल से पहले ही आ चुके हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे फटाफट इन आउटफिट्स को देख सकते हो अगर आप चाहते हो, नहीं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमारी जो AKM की गन स्किन आने वाली है नाइटमेयर AKM, तो वो गेम में आपको कैसे देखने को मिलेगी, और उसको देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो AKM की गन स्किन चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे जो फटाफट ये आउटफिट्स आप देख सकते हो इसी क्रेट में देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आपको ये नीचे वाले आउटफिट से कुछ मिलता है, और बाकी नीचे सिल्वर्स और कुछ ग्राफिटी और बाकी के कूपन्स होंगे शायद, तो ये बेकार बेकार से आइटम्स हैं नीचे। तो इसके बाद यहाँ से मैं बाइक उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारे ब्रिज पे चल के जो नाइटमेयर AKM है वो आपको गेम में कैसे देखने को मिलेगी। तो सामने वाले ब्रिज पे चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे जो बुलेट्स है उसकी साउंड आ रही है, तो वहाँ पे हमें डिस्टर्ब होगा थोड़ा, तो ब्रिज के ऊपर ही चलते हैं, वहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि स्क्रीन है वो आपको कैसे देखने को मिलेगी गेम में। और पीछे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे जो 2 AKM मैंने इक्विप कर ही लिए पहले, तो पहुंच चुके हैं हम ब्रिज पे, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्किन है वो आपको कैसे देखने को मिलेगी, और बैक पे भी आप देख सकते हो जो स्क्रीन मैंने इक्विप की हुई है तो कैसे लग रही है वो, और यहाँ पे रोटेट क्यों नहीं हो रहा, तो ये हो गया रोटेट। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ स्कल टाइप का भी दिख रहा होगा जो हमारे हेलमेट और जो प्लेन फिनिश पे देखने को मिल रहा है, तो उसी तरीके से आपको जो गन स्किन पे भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप इसे देख सकते हो थोड़ा क्लियरली। और इसके बाद यहाँ पे आपको मैं FPP में भी दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो FPP में कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे हम पीक और शायद पीक का अनेबल ऑप्शन नहीं है, तो इसे अनेबल करते हैं फिर आपको मैं दिखाता हूँ पीक करके। तो देख सकते हो लेफ्ट साइड से आपको कुछ ऐसे गन स्किन जो देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे हमारी जो राइट साइड से आप देख सकते हो, तो राइट साइड में भी सिमिलर सा पैटर्न है, दोनों साइड आपको सेम ही देखने को मिल रहा है, तो ठीक ठाक सी गन स्किन है। दोस्तों आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको जो गेम प्ले है वो कैसा लगा है, और आप क्या इसे अपना जो प्रीमियम क्रेडिट से निकालोगे, इसे चाहोगे कि आपको ये मिले। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसे शूट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी, तो दोस्तों ये थी हमारी जो नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट, और काफी जल्दी यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट जो प्रीमियम क्रेट है ये आ जाएगी, आपको गेम में देखने को मिल जाएगी, तो हो सकता है कि आपने काफी सारे जो कूपन सेव करे हो तो आप इस जो क्रेट को ओपन करने में यूज कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तब तक के लिए गुड बाय।